पिछले वीडियो में मैंने मार्शल आर्ट्स के बारे में गहराई से बताया, कैसे भारत से आर्ट पूरे वर्ल्ड में गया ये बताया। अब मैं ऐसे आर्ट से शुरू करता हूँ क्योंकि वो वैसे तो कई आर्ट है दुनिया में। एक ऐसा आर्ट जो जापान में उनका नाम मोरी योशिबा था, 1942 में उन्होंने ये आर्ट बनाया, और मुझे भी काफी आर्ट बहुत पसंद है। इस आर्ट का नाम है आइकिडो, की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जापानीज फिलोसफी की, मतलब अंदर की शक्ति, वो भारतीय फिलोसफी में इंपॉर्टेंट है, रास्ता अंदर की शक्ति का। आइकिडो का शाब्दिक अर्थ ऐसा हो। तो 1942 में मोरी योशिबा ने आर्ट बनाया और कई और आर्ट हैं जिनमें कि ये मुख्य है। मैंने ये आइकिडो ही शुरुआत के लिए लिया क्योंकि जैसे आप देखेंगे करंट कराटे जो है स्पोर्ट्स कराटे में आ गया, टाइक्वांडो स्पोर्ट्स में आ गया, और जूडो, जूडो डॉक्टर जिगारो कानो ने बनाया, ये नाम जूडो वर्ड उन्होंने दिया। इससे पहले जूडो नहीं था, जुजुत्सु शब्द था। जुजुत्सु का मतलब जेंटल वे ऐसा होता है, और इन्होंने किया उसको जूडो, सॉरी जुजुत्सु का मतलब होता है जेंटल आर्ट, जूडो का मतलब है जेंटल वे। और आर्ट शब्द मैंने पहले एक्सप्लेन किया क्या है, तो जुजुत्सु आर्ट में एग्जिस्ट करता था पहले, लेकिन उसमें क्या था कि जब वो लोग स्पारिंग करते थे तो कई जो थ्रो करते थे वो कई ऐसा होता था कि जिसमें कि फेयर नहीं होता था, आदमी गिरे तो वो उठ ही ना पाए, ऐसे भी थ्रो होता। तो जिगारो कानो ने सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें कि किसी को नुकसान ना हो और वो बहुत प्रसिद्ध भी हो जाए और वो स्पोर्ट्स के उसमें भी आ जाए, तो उन्होंने वो जूडो बनाया। उसमें उन्होंने सारी चीजें लिपिबद्ध की और जितने भी फॉल्स थ्रो सबसे लिपिबद्ध की। उससे उनसे जूस में तकरीबन जो लिखित स्टाइल्स है उसमें 700 से ज्यादा स्टाइल्स, उसमें भी आइकिजुत्सु ऐसा स्टाइल है जो सबसे अलग है, और उससे जो है आइकिडो की डेवलपमेंट होती है आइकिजुत्सु से। ऐसे 3-4 मुख्य स्टाइल जिसमें की मुख्य था, उनसे मोरी योशिबा ने आइकिडो स्टाइल बनाया। आप देखेंगे मैंने जो भी वीडियो दिए हैं उसमें जो भी ब्लॉक पंच या ब्लॉक होता है वो लीनियर होता है, सीधी लाइन में होता है। आइकिडो में चीजें सर्कुलर होती है। अब मैंने मेरे वीडियो में कई इम्प्रोवाइजेशन बताए हैं, उसमें थोड़े पिवोटिंग होता हुआ सर्कल होता हुआ, पर आइकिडो में, और आइकिडो की खासियत यह है कि जो सिद्धांत है आइकिडो का वो यह है कि जैसे एक फोर्स आ रहा है, एनर्जी आ रही है, तो उसको रोकना नहीं, ब्लॉक नहीं करना, उसको उसी के दिशा में जाने देना और कंट्रोल करना, वो सर्कुलर फैशन में वो घूम जाएंगे और उसे कंट्रोल करेंगे। ये इसका सिद्धांत है। किसी भी आर्ट का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। अब कराटे में ब्लॉक और पंच दोनों होते हैं, पर पहले ब्लॉक होता है क्योंकि ये सेल्फ डिफेंसिव आर्ट है, ऑफेंसिव नहीं है। आप विंग चन कुंग फू देखेंगे वो ऑफेंसिव है, यहां तक कि कई जो एनिमल स्टाइल में बाद में बौद्ध धर्म के बाद जो डेवलप हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे ऑफेंसिव ज्यादा है, क्योंकि जो जानवर होते हैं लेपर्ड या स्नेक, ये अपनी जान बचाने के लिए थोड़े थोड़े ऑफेंसिव हो जाते हैं। ऑफेंसिव मतलब अटैक, आक्रामक, अगर सही हिंदी में कहेंगे तो। कराटे काफी डेवलप स्टाइल है इसलिए वो डिफेंसिव है, और उसमें आगे चल के जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो अपने निहित सच को जानने के लिए कोशिश किया जाता, इसलिए वो स्टाइल बहुत हाई लेवल पर आ जाता है। और वैसे ही दूसरे स्टाइल जो आइकिडो में बताऊं, मैंने आइकिडो उसके बाद लिया है क्योंकि आइकिडो एक बहुत ही श्रेष्ठ स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद है। और मोरी योशिबा के शिष्यों में कोची टोही एक व्यक्ति थे जिन्हें मिलने का मेरा भी काफी दिल था, पर जापान में जा नहीं सका, मेरी अपनी कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स थी उनके वजह से, तो उनसे मिल नहीं सका, तो वो गुजर गए। तो उन्होंने केवल की को ही डेवलप किया, और मोरी योशिबा ने जो स्टाइल डेवलप किया वो आइकिडो, उसमें टोटल कॉन्सेप्ट डेवलप होता है ह्यूमैनिटी का, ह्यूमननेस का, और मेनली इसमें सर्कुलर फॉर्म्स पिवोटल ज्यादा है।
और कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे एनर्जी आ रही है उसको रोक के बिना एक गति दे देना और कंट्रोल कर लो, फिर उसमें किसी भी तरह से आप कर लीजिए, लॉक करिए, पिन करिए, थ्रो करिए। और इस तरह मैं आगे अलग अलग स्टाइल्स के बारे में और उनकी गहराइयों के बारे में बताते चला जाऊंगा। नमस्कार।